तकलीफ है, समझ रही है? बीमार हम पड़े तो दवाइयों को पैसे है। बोलो, पहले बड़ा काम लेंगे तो छोटे काम के क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं सवाल है, ऐसा क्या सबर करना भाई? घरों में पानी तीर रहा, बच्चे बीमार हो रहे, क्या सबर करना बोल रहे? ले लो पानी है घर में। कहाँ पे? हमारे आंगन में पानी देखो, चल के तुम। कब आगा पानी? अरे रोज ही जाता। अरे फिर रिटर्न आता, रिटर्न आता। फिर देखो भाई, ये रोड खोदे कहीं को, खोदे वाले कहाँ गए आकर? वोटिंग के बाद बनाते बोले, वोटिंग होके एक महीना भी होगा, कोई आ रहा ना कोई जा रहा, ये हरा पानी क्या करना? बच्चे बीमार हो जाना, हमारे घर में देखो पलट पलट के पानी आ रहा, और बल्दिया वालों को भेजो बोले तो अभी नहीं भेज रहे। करना तो क्या करना, रोडों पे सो जाना क्या? औरता मर दिए पूरे, बसा वसा सब हमारे ऊपर से जाना क्या? बोलो, पूरे मैया था आके उठाते क्या लीडर? आ बोलो भाई, कितना हम परेशान है, हमको मालूम है। वोटिंग के बाद बनाते बोले, फिर बनाए नहीं, एक महीना होगा, खोदे कहीं को भाई? मैया जा रहे ना, इंसाना जिंदा इंसाना जा रहे ना, मरे से इंसाना जा रहे, क्या है भाई ये तकलीफा कहीं को दे रहे हैं? आखिर अपने अपने घरों के सामने डाल लिए रोडा, गाड़िया साइकिल मोटर सब रह रहे तुम लोगों के घर के सामने, हम पैदल भी नहीं जा सक रहे, क्या है भाई? बोले तो दुश्मनियां पैदा हो जा रही, चुप जबरदस्ती का कहीं को तकलीफा दे रहे हैं भाई? 5 साल से यही छे, खाली नला ले, नला ले बोले, नलों में मोहरियों का पानी आ रहा, पी के मर जाना। खोदने की वजह क्या है? कहीं को खोदे, बनाते बोले कब बना रहे? एक महीना होगा, वोटिंग 15 दिन है, बोलने को खोद दिए, कहीं को खोदे भाई? खोदे कहीं को, अच्छा हम जा रहे थे आ रहे थे, खोद के हमारे को तकलीफा दे रही वही आप, फिर आपके घरों का अच्छा बना लिया आप लोग, सीमेंट रोड, गाड़ियां साइकिल मोटर जहाज भी बोले तो उतरता आपकी गली में, फिर झाड़ू होती तो जनाजे भी यहां से गए तो फिर मुश्किल हुई, फिर मैया तो हमारी खुद अम्मी की मैयत हम नहीं लेके गए, हमारी खाला की मैयत भी, क्या भाई जिंदों को भी तकलीफ दे रहे, मुर्दों को भी तकलीफ दे रहे, रहना बस्ती छोड़ के चले जाना, बोलो दे दो हमारे घरों के पैसे, चले आते हम लोग, खरीद ले आप लोग। कौन सा एरिया है वो? क्या है एराकुंटा, वार्ड नंबर 1। बहुत तकलीफा दे रहे हैं भाई, कहीं को आखिर ऐसा नहीं? दे दो हमारे घरों के पैसे, हम लोग घर खाली करके चले आते, ले ले आप लोग। अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज एराकुंटा वार्ड नंबर 1 जलपली म्यूनसिपालिटी में हम लोग यहाँ पे जमा हुए। मैं अमजद खान, जलपली म्यूनसिपल वाइस प्रेसिडेंट, बीआरएस पार्टी। हम मुसलसिल 2 साल से आवाम के बीच में रहते पे, ये हमारी बस्ती, मेरा खुद घर यहीं है, बाजू में छे मेरा घर, और ये पूरे तकरीबन हमारे लोग, बस्ती के लोग ये ज़यीफ़ लोग हैं, यहाँ पे जो है ना लेडीज़ है, यहाँ से जा नहीं सक रहे हैं, प्रेगनेंट लेडीज़ है, यहाँ से निकल नहीं सक रहे हैं, यहाँ के हालात देखिए। हम म्यूनसिपल कमिश्नर पहले साबिर अली को भी बोले थे, साबिर अली साहब को भी बोले, उनका भी हमारे पास में एक्नॉलेजमेंट है, और उसके बाद में जो है सो कुमार साहब आए, कुमार साहब को भी रिप्रेजेंट करें, उसके बाद में जो है ना आप संता मैडम आए हुए हैं, उनको ज़ीरो नॉलेज है, उनको म्यूनसिपल के बारे में, म्यूनसिपल में कैसा काम लेना, कोई वर्कर को भेजना, किसी को भी फ़ोन करो रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई वर्कर काम करने को तैयार नहीं है, जब भी जा रहे हैं स्टाफ कम है। अब ये सैंक्शन हो के 36 लाख रुपीज़ सैंक्शन हो के 4 महीने हो गया, 4 महीने से आप लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कोड आया बोल के काम को रोके, फिर ये रोड तोड़ के फेंक दिए, रोड तोड़े और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ये पूरा ड्रेनेज का पानी ऊपर आ गया, ये सारे तकलीफ़ें ये इंसाना समझ के दे रहे हैं या जानवरा समझ के दे रहे हैं ये बस्ती वालों को हमारे? क्या है इसका मसले का हल? या आप निकाल सकते तो निकालिए, या नहीं तो आप जाके इस्तीफा दे के आप घर में बैठ जाइए, आप यहाँ से चले जाओ, दूसरा कोई कमिश्नर आया तो हम उनसे काम ले लेंगे। अगर ये 8 दिन के अंदर अगर काम स्टार्ट नहीं होएगा, कलेक्टर ऑफिस में धरना होएगा, जहाँ तक जाना हमारे को मालूम है कहाँ कहाँ जाना, कैसा करना है, हम नहीं चाह रहे। अगर चाह रहे हैं तो हम पूरी पब्लिक को लेके वहाँ पे जाएंगे, फिर धरना करेंगे, जो करना है करेंगे, आपसे अगर काम बनता है तो आप काम कराइए, नहीं तो आप जो है ना यहाँ से जाइए, हमारे को हमारा एरिया जो है ना हम सुधार लेंगे, कैसा भी चला लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।